तो आज का व्लॉग है दो भाइयों के बारे में, टू ब्रदर्स। ना वो वाले टू ब्रदर्स नहीं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, ये वाले टू ब्रदर्स, एक जिसको गाड़ियाँ पसंद है, एक जिसको बाइक पसंद है, एक जिसको रेंज रोवर लेनी है और एक जिसको बुलेट पे लेह लद्दाख जाना है। तो आज का व्लॉग सिद्धू मूसे वाले की रेंज पे नहीं है, आज का व्लॉग है पंजाबियाँ दी शान बुलेट पे। पर इस व्लॉग में एक फन फैक्ट है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हम पहले जा रहे हैं साकेत, जाना पहले हमने था नेहरू प्लेस क्योंकि मैंने अपने आईफोन की केबल दे रखी थी ठीक होने के लिए, तो हमने वहां जाना था। बट अब क्या करें, भाई साहब को नया कैमरा लेना है। सो या असी करो निकल पे से एक नवा कैमरा लैन। न्यू कैमरा इज सेम एज नई नवेली नू। सो आप निकल पे सी अपनी माता वास्ते नू लभन। ओ ना ना सॉरी, माता वास्ते नहीं, तुहाडे वास्ते। ऐ तां ब्लॉग है ना, व्याह नू मेरे टाइम है हले, ते शुरू कर दे। ओ माए तेरी नू लभनी, माए तेरी नू लभनी, नू लभनी देवे लै। चलो जी, हो गया पागल, आवाज तो आपको आई जाएगी। भाई साहब ने लगा रखे हेडफोन, ऊंचा ऊंचा गा रहा है। चल सॉरी 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 हाँ चल चलो चलो। भाई साहब ने हेडफोन लगा रखा, आवाज तो सुनाई देनी थी मेरी, इसको चीख चीख के बोलो। हो रहा रिकॉर्ड, हो रहा है भैया, सैनिटाइज करेंगे। ये वाला सैनिटाइजर बंद है इनका। मजा आ गया भाई अंदर घुसते ही, अंतर आत्मा को शांति मिल गई एसी में। अच्छा ये बताओ चश्मा कैसा लग रहा है, सेक्सी लग रहा है ना? पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है भाई एलिवेटर पे भी। पर एक चीज मैंने देखी, इतने सोने सुनखे बनके ना ऐसे मॉल में आने का कोई फायदा नहीं है। जगह मुंह ही कवर जाना, ना कुड़ी आपको देख सकती है ना आप कुड़ी को देख सकते हो। देखो अब हम लेंगे यहाँ पे पंगे, गगन समझ गया क्या पंगे? हम यहाँ पे ब्लूटूथ से चलाएंगे गाने। भाई साहब अंदर गाने तो चला दिए, पर चलाए पंजाबी जिससे शख्सी दाम पे जाता है। तो हमें बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकाल दिया, कह रहे हम नहीं दे रहे आपको कैमरा, आप कहीं और से जाके लो। क्या यार ऐसे हरकत करेगा, कहाँ से खरीदेगा कैमरा भाई? यो माय बॉयस, आज गर्मी बहुत है और ये हमें बाइक पे ले आया जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कोई ना। ठीक हो भैया? अब एक काम तो हो गया था, अब बारी थी दूसरे काम की। अब इतने सोने सुलखे बने हैं तो खिंचवा ही लेते हैं फोटो। मेरी जान अलाउ नहीं है, अबे जान अलाउ नहीं है। सिलेक्ट सिटी के अंदर सही रास्ता है इसका, क्या? इसका रास्ता सिलेक्ट सिटी के अंदर सही है, जान अलाउ नहीं है, है? कुछ नहीं, हेडफोन लगा के हैं हैं करता रहता, सुनाई देता नहीं है कुछ से। हैं हैं 10 बार बोल दिया बड़ी जगह ले जा, जब फोटो अच्छी है। इंडिया गेट चल, इंडिया गेट वहां फोटो सेक्सी आएगी। अबे भाई चल रहे हैं, रुक जाओ भाई, चल रुक जाओ। घूमते घुमाते हम सीपी के पास आ गए, गर्मी से लथपथ, बाइक में इतना मजा नहीं आता है धूल मिट्टी, बट वो कैमरे में दिखनी नहीं है। तो हमें एक मदर डेयरी की दुकान मिली है पास में, जिसको हम अपना बैकग्राउंड यूज़ करके जैसे ही हम जा रहे थे हमें लगा कि ये मेरे कपड़ों से मैच कर लेगी दुकान। दुकान दिखाए आप, तो अब हम जरा देखते हैं फोटो फोटो कैसे आते हैं। भैया अरे भैया कहाँ चढ़े हुए हो? जली जली तुम्हारी टांग जली यार, गरम गरम साइलेंसर लग गया। ओह नाइस नाइस, और ना पहनो कपड़े।
चला नहीं तुम्हें उल्टा है, जल रहा है यार वो तो, जलेगा अभी चलेगा। तो आज तक सिर्फ आपने मोटो व्लॉगिंग देखी होगी आगे बैठ के, तो हम पहले व्लॉगर हैं जो आपको दिखाएंगे मोटो व्लॉगिंग पीछे बैठ के। यहाँ पे हमने आना था सबसे पहले था नेहरू प्लेस में, बट हम आए आखिरी में है क्योंकि ये पुठे रास्ते में पैरा था। तो गगन की लेनी है डेटा केबल हमने आईफोन की, इसकी हर दूसरे दिन खराब हो जाती है केबल। सवेरे दे बज गए ने 6:15, अब जाके 70% व्लॉग एडिट हुआ है। तो आप लोग अभी तक सोच रहे होगे जो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था फन फैक्ट्स, वो क्या फन फैक्ट्स हैं। फन फैक्ट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये चश्मा नंबर वाला नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं। 0 नंबर वाला चश्मा है वो, बस लैपटॉप में 10-11 घंटे काम करते करते तो इसलिए मैंने 0 नंबर वाला ले लिया। फन फैक्ट ये है कि मैंने देखा और मोटो ब्लॉगर्स ये नहीं बताते कि हाय गर्मी है इतनी वो है धूल मिट्टी है, वो ये दिखाते कि हाय इतना सोना पेड़। जब कैमरा ऑन होता, जैसे ही कैमरा ऑफ होता ना, हाय गर्मी, तो वो हमने रिकॉर्ड किया। देखो ज़रा, ओ भाई गर्मी, क्या गर्मी है यार। सो एक और चीज़ जो मैंने आज रियलाइज करी कि असी सरदारा वास्ते मोटो ब्लॉगिंग थोड़ी जी मुश्किल है क्योंकि असी पग बन नहीं होनी है। तो जब अगर हम कहीं जाए तैयार त्यूर होकर, अगर बाइक से जाए तो असी तैयार होके नहीं जा सकते क्योंकि फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि हेलमेट डालना पड़ता है, गोप्रो लगाना पड़ता है, तो वो मेरे को थोड़ा सा टफ लगा आज। बाकी मैंने तो चलाई नहीं भाई, गगन नहीं चलाई थी, मैं तो अपना पूरा तैयार फिर हो गया था। बाकी मेरे को पता नहीं मैं आगे मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो ये नाल ही आप करते हैं ब्लॉग न एंड, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो ना तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके जाना कि तुम्हें वर्क कितना लग्या। और मेरे को पता है थोड़ी सी वो जो बाइक की क्वालिटी थी आवाज़ की, वो आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगी होगी क्योंकि अभी हमने माइक नहीं लिया। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से, टिल देन बाय बाय। Yo a ti te